हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में जैसा कि आप देख सकते हो, मैं रियलिस्टिक आई का ट्यूटोरियल दे रहा हूँ। एंड ये ड्राइंग और अच्छी बन सकती थी अगर मेरे पास टोम्बो मोनो इरेजर रहता और सकुरा का वाइट जेल पेन रहता, बट वो दोनों ही मेरे पास अवेलेबल नहीं है। बट उसे फ्यूचर में मैं परचेज करूँगा, लेकिन फिर भी आप देख सकते हो ड्राइंग कैसी बनी है उसके बिना भी। तो चलिए ड्राइंग को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने पहले से ही आउटलाइन को बना के रखा है। फिर सबसे पहले HB पेंसिल लेंगे, देन हल्के हाथों से आई के बीच में शेड करेंगे। एंड शेड हल्के हाथों से इसलिए करना है क्योंकि उसे हमें ब्लेंड भी करना है। एंड ब्लेंडिंग के लिए मैं ब्लेंडिंग स्टम्प का यूज़ करूँगा। नॉइस बहुत ज़्यादा आ रही थी, उसके लिए सॉरी, क्योंकि मैं बाहर में बैठ के वॉइस ओवर कर रहा हूँ, इसलिए बाहर की नॉइस आ सकती है। अब ब्लेंड कर रहा हूँ मैं इसे। पूरा ब्लेंड हो जाने के बाद 10B पेंसिल का यूज़ करके बीच वाले मतलब बीच में पूरा डार्क कर देना है आई के बीच में। टेन बी पेंसिल का यूज़ करके आई के बीच में मैं पूरा डार्क कर रहा हूँ। इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना क्योंकि बहुत मेहनत से बनाया हुआ इसे, और अब लास्ट तक के देखोगे तभी आपको समझ में आएगा, वरना समझ में नहीं आएगा कैसा बना ये आई। ये पूरा हो जाने के बाद 4B पेंसिल यूज़ करके ऊपर से डार्क कर देना है। अब 4B पेंसिल यूज़ करके यहाँ से मैं ऊपर से डार्क कर रहा हूँ। ये आई लिड का रिफ्लेक्शन है जो आ रहा है यहाँ पे, जिसे कारण यहाँ पे डार्क कर मतलब डार्क है। ये भाग डार्क हो जाने के बाद हल्की हल्की लाइन खींचना है आई के चारों तरफ। ये आई के टेक्सचर के लिए लाइनें खींच रहा हूँ मैं। पहले 4B पेंसिल यूज़ करके लाइन खींच लेना। देन इसके बाद इसे ब्लेंड कर देना है। मैं ब्लेंडिंग स्टम्प का यूज़ कर रहा हूँ, आप ब्रश का भी यूज़ कर सकते हो अगर आपको ब्रश अच्छा लगता है तो। ब्रश का यूज़ मैं आज तक अपनी कोई भी ड्राइंग में नहीं किया हूँ, बट फ्यूचर में करूँगा। एंड ब्लेंड हो जाने के बाद फिर से 6B या 8B को यूज़ करके उसे फिर से डार्क कर देना है। भाई के बीच में भी हल्का हल्का कर सकते हो आप अपने हिसाब से रैंडमली। एंड ज़रूरी नहीं कि आप मेरे जैसे ही बनाए, आप रैंडम लाइन खींच सकते हो अपने हिसाब से कुछ भी। इसे मैं फिर से डार्क कर रहा हूँ 10B का यूज़ करके। एंड ऊपर का ये भाग पूरा डार्क कर देते हैं। ये कंप्लीट हो चुका है।
या ऊपर से आईलिड का रिफ्लेक्शन आ रहा है तो वहाँ पे आईलिड भी बनाएंगे हम। पहले 3B पेंसिल का यूज़ करके बना लेंगे। एन अभी से 6B पेंसिल को यूज़ करके डार्क कर देंगे। ये कम्प्लीट हो चुका है। अब हम आई के बीच से भी वैसे ही करेंगे लाइनें। इसके बाद फिर से लाइन बनाएंगे। अब बीच में भी और कर देंगे रैंडमली। ये हो जाने बाद इसे ब्लेंड करना है। इसके बाद मुझे टॉम्बो मोनो जीरो रेजर की ज़रूरत थी बट वो मेरे पास नहीं थी तो मैं ऐसे नॉर्मल इरेजर से इसे इरेज किया हूँ। अगर टोम्बो मोनो जीरो इरेजर रहता मेरे पास तो ये बारीकी से होता बट अभी बारीकी से नहीं हो पाया है। इसे हल्का हल्का मिटा लेने के बाद फिर से 10B पेंसिल को यूज़ करके फिर थोड़ी हल्की लाइनें खींचना है टेक्सचर के लिए। मेरे से राइट वाले साइड में थोड़ा गड़बड़ हो गया बट इसे मैं वीडियो को लास्ट टाइम फिक्स कर लूँगा। अभी ठीक नहीं दिख रहा है बट लास्ट में वीडियो के वो ठीक हो जाएगा। राइट में थोड़ा गैप रह गया है। साइड से थोड़ा डार्क कर लेना है नीचे भी। जैसे जैसे ड्राइंग आगे बढ़ेगी वैसे वैसे रियलिस्टिक लुक आते रहेगा। लगभग कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद आई के अपर पार्ट पे हमें डार्क कर देना है। 6B या 8B पेंसिल का यूज़ करके उसे डार्क करना है।
आप हल्के हाथों से ही करना, क्योंकि उसे ब्लेंड भी करना रहता है। कंप्लीट हो जाने के बाद फिर से थोड़ा डार्क करना है, लेफ्ट वाला साइड ज़्यादा डार्क करना है और राइट वाला साइड कुछ लाइट रखना है। कंप्लीट होने के बाद इसे ब्लेंड करना है। अब आई लिड बनाना है ऊपर की, इसे थोड़ा करो ही बनाना है एंड अपने हिसाब से रैंडम इसे बनाना है। रैंडम कैसे भी लाइनें खींच सकते हो। राइट साइड में कंप्लीट हो जाने के बाद इसे लेफ्ट साइड में भी कंप्लीट करना है। अब बचे पार्ट पे फिर से शेडिंग करना है। पहले 2B पेंसिल का यूज़ करके शेडिंग किया मैंने। इसमें एक और लेयर चढ़ाना है 4B पेंसिल यूज़ करके। इसे ब्लेंड कर देना। फिर से 6B पेंसिल का यूज़ करना है। अब सिर्फ अपर पार्ट में डार्क करना है, डार्क शेडिंग करना है, हल्का हल्का डार्क। हल्का हल्का डार्क करो मैं अपर पार्ट में। इसे रियलिस्टिक लुक आएगा। अब 0.5 mm का mm की पेंसिल यूज करके मैं हल्की हल्की लाइनें खींच रहा हूँ टेक्सचर के लिए।
इस आई को बहुत अच्छे आर्टिस्ट ने बनाया था, उसी आई को मैं देख के बना रहा हूँ। अब साइड से भी हमें हल्का हल्का डार्क करना है एंड बीच वाले पार्ट पे फिर से हल्की शेडिंग करके उसे ब्लेंड करना है। हल्का शेड कर रहा हूँ मैं बीच में शेडिंग, इसे हल्का डार्क करना है। इसमें एक साइड हल्का लाइट ही रखना है, इसलिए मैं वहाँ पे बार बार मिटा रहा हूँ। इस ड्राइंग में वाइट जेली रोल पेन का भी बहुत यूज़ रहता है, बट मेरे पास अभी है नहीं इसलिए मैं उसमें यूज़ नहीं किया हूँ। अगर वो यूज़ करता तो ये और अच्छी दिखती ड्राइंग। सिक्स जी पेंसिल यूज़ करके इधर थोड़ा डार्क कर रहा हूँ इस साइड में। इसे हल्का लाइट रखना है। मैं हल्के हल्के लाइनें खींच रहा हूँ। यहाँ पे वाइट जेली पेन का बहुत यूज़ होता है, बट मेरे पास है नहीं। इसे थोड़ा और डार्क कर लेते हैं। इसके बाद ऊपर का हो जाने के बाद नीचे के पार्ट में आना है। पहले मैं आईलिड बना रहा हूँ। आईलेट कंप्लीट होने के बाद फिर यहाँ पे फिर से शेडिंग करना है नीचे के पार्ट में।
ये हो जाने के बाद नीचे से 2B पेंसिल का यूज़ करके शेडिंग करना है। इसमें नीचे साइड से ज़्यादा डार्क करना है, ऊपर थोड़ा लाइट रहने देना है। इसे बार बार शेडिंग करके ब्लेंड करना है और नीचे थोड़ा डार्क ही रहने देना है। जितनी ज़्यादा लेयर चढ़ाओगे उतनी रियलिस्टिक लगेगी ड्राइंग। ऐसे में डार्क करो आईलिड को जो बची हुई थी। नीचे भी हल्का डार्क कर रहा हूँ। इसके बाद टोम्बो मोनो जीरो इरेजर का यूज़ करते बट नहीं है तो मैं नॉर्मल इरेजर का यूज़ कर रहा हूँ। थोड़ी कर्व लाइनिंग खींचना है उसका यूज़ करके। इसके बाद 0.5 mm का पेंसिल यूज़ करके उसे फिर से वैसे ही करना है जैसे इरेजर से किए थे। तो इससे आई का टेक्सचर आता है, स्किन टेक्सचर आता है इससे। सबसे ऊपर वाले पार्ट में हमें 2B पेंसिल को यूज़ करके उसे शेड करना है हल्का हल्का एंड ब्लेंड कर देना है। एंड उसके बाद फिर से 4B पेंसिल को यूज़ करके फिर शेड करना है, फिर उसे ब्लेंड करना है। एंड थर्ड टाइम फिर से शेड करना है बट ब्लेंड नहीं करना उसे, क्योंकि उसे थोड़ा टेक्सचर आएगा थर्ड टाइम में करने से, स्किन टेक्सचर आएगा थोड़ा। पूरी तरह से ब्लेंड नहीं करा मैं, हल्का हल्का बहुत
हल्का हल्का ब्लेंड किया। यहाँ पे ड्राइंग कंप्लीट होती है। लास्ट वाला पार्ट मैंने रिकॉर्ड तो किया था बट मोबाइल बंद हो गया, चार्ज खत्म हो गया था मोबाइल का, तो वो करप्ट हो गया फाइल, तो उसके लिए बहुत बहुत सॉरी। एंड वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा, मेरी ड्राइंग ये पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना और हो सके चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि ऐसी ड्राइंग वीडियो मैं बनाता रहता हूँ एंड चैनल पर अपलोड करता रहता हूँ डेली। थैंक यू।